हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे एवयू यानी कि मैट्रिक्स। चैप्टर आपका ये तीसरा है। इसमें हम क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे और आपको बताएंगे सभी प्रश्नों का सलूशन। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो देखिएगा, यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिया है कि एक एवयू दिया है आपको, एक के लिए ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अवयव की कोट ज्ञात करनी है, अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है, और जो अवयव हैं आपके A13, A21 ये सभी आपको इसमें ज्ञात करने हैं। तो इसको किस प्रकार आप करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे आपके अवयव की कोट। देखिएगा, जो अवयव की कोट होती है आपकी, अवयव की कोट यहाँ पे देखते हैं, चलिएगा, अवयव की कोट होती है आपकी आपकी पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या, रो इंटू कॉलम। इसको हम लिख सकते हैं m गुणे एन बी। तो इसमें आपकी जो पंक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्ति कितनी है, 1, 2, 3 पंक्तियों की संख्या है आपकी 3, और जो आपके स्तंभ हैं ये हैं आपके 4, ठीक है। तो ये आपका हो गया अवयवों की कोट। अगला जो स्टेप है हमारा, वो इसमें दिया है कि अवयवों की संख्या कितनी होती है। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या आप किस प्रकार निकालेंगे, देखिएगा बहुत ध्यान से, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक प्रश्न इससे ज़रूर आता है। अवयवों की संख्या, अगर अवयवों की संख्या की बात करें हम, तो आपका जो कोट होती है यही, इसकी अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आपके अवयवों की संख्या आ जाएगी। नहीं तो आप इसको गिन सकते हैं, इसको गिनेंगे तो आपका 12 ही आएगा, और अगर ये 3×4 दिया है तो भी आपका 12 आएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अवयव A13, ये सभी आपके अवयव ज्ञात करने हैं। इनको किस प्रकार, A13 का मतलब है पहली पंक्ति और आपका पहली पंक्ति का तीसरा पद। आपकी पहली पंक्ति कौन सी है, पहली पंक्ति यह है, इसका तीसरा पद 19, यानी कि इधर देखिएगा A13 हो गया आपका पहली पंक्ति का तीसरा पद 19। अब देखिएगा A21 यानी कि दूसरी पंक्ति का पहला पद, दूसरी पंक्ति यह है, इसका दूसरा पद -2। A33 तीसरी पंक्ति का तीसरा पद, तीसरी पंक्ति यह है, इसका तीसरा पद -5, ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे A24 यानी कि दूसरी पंक्ति का चौथा पद, दूसरी पंक्ति यह है 35 - 2 5/2 12, और इसका दूसरी पंक्ति का चौथा पद आपका 12। अब आपको ज्ञात करना है A23 यानी कि दूसरी पंक्ति का तीसरा पद 5/2। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। A13 19, A21 -2, A33 आपका -5 है, A24 12 और A23 5/2 हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। देखिएगा, आपको सेकेंड प्रश्न दिया है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, और यदि 13 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या हैं। देखिए, जब भी आपको कोट ज्ञात करनी हो तो आप किस प्रकार कोटियां ज्ञात करेंगे, और अगर अवयवों की संख्या दी है तो कोट किस प्रकार आप कहेंगे। अगर आपको कोट ज्ञात करनी हो तो देखिएगा, आपको 24 अगर अवयव दिए हैं तो 24 के ऐसे गुणनखंड करो, ऐसे फैक्टर करो जिसका गुणनखंड आपका 24 हो। तो हम लिख सकते हैं 1×24, ठीक, 1×24 लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं 24 और 1, 12×2 24 होगा आपका, 2×12, 12×2 24 होगा, और 6×4 24, 6×4 24 ये कॉमा, और 4×6 लगाएंगे आप, 4×6 और कोई बनता है, 8 से बनता है आपका, 8×3 3×8, ठीक। ये होगा इसके फैक्टर जिनका गुणनफल आपका आएगा 24। अब इसकी कोटि हम लिखेंगे, ये तो हमने समझाने के लिए आपको एग्ज़ाम में ये नहीं लिखना है,
इसकी जो कोटियाँ होंगी, कोटियाँ हमने क्या पढ़ाई थी पिछले प्रश्न में, प्रश्न नंबर हमने एक में आपको बताया था, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हमने बताया था आपको कि अगर आपको आवयव की कोटि ज्ञात करनी है तो m गुणे n, तो इन सभी को हम m गुणे n के रूप में लिखेंगे। जब हम m गुणे n के रूप में लिखेंगे तो आप 1 गुणे 24, 24 गुणे 1, 12 गुणे 2, 2 गुणे 12, 6 गुणे 4 और आपका हो जाएगा 4 गुणे 6, 8 गुणे 3, 3 गुणे 8, ये सभी आपकी हो गई हैं कोटियाँ अगर आपके आवयव में 24 अवयव हैं तो। अगर आपके आवयव में 13 अवयव हैं, आप लिखेंगे 13 अवयवों के लिए संभव कोटियाँ, इसको आप किस प्रकार देखिएगा उसी प्रकार लिखेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे 13 के गुण, अगर फैक्टर करें हम तो आपका बनेगा 1 × 13, ठीक है, और आपका बन जाएगा 13 × 1, इसके अलावा आपका कुछ नहीं बन सकता है, ठीक। तो यही आपकी कोटियाँ होंगे। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ ज्ञात कीजिए, और यदि 5 अवयव हैं तो इसकी कोटियाँ ज्ञात कीजिए। देखिएगा हमने आपको अभी सेकेंड जो प्रश्न बताया बिल्कुल सेम उसी तरीके से है, आप लिखेंगे 18 अवयवों के लिए संभव कोटियाँ, के लिए संभव कोटियाँ, क्या होंगी कोटियाँ, इसके 18 के ऐसे फैक्टर करो जिनका गुणनफल 18 रहे, 6 × 3, 3 × 6, 9 × 2, 2 × 9, और आपका हो जाएगा 1 × 18, 18 × 1, और कोई बन रहा है 18, शायद अब नहीं बन रहा है, अगर बन रहा हो तो आप लिख सकते हैं। तो ये हो गए आपके 18 के लिए। अब देखें 5 अवयवों के लिए संभव कोटियाँ, तो आपका 5 अवयवों के लिए संभव कोटियाँ होंगी 1 × 5 और 5 × 1, इसके अलावा कुछ भी नहीं बन सकता है क्योंकि 5 के फैक्टर ही नहीं हो सकते। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका 4, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है कि आपको 2×2 यानी कि आपका ये वर्ग आवयव है, वर्ग आवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित हैं, मतलब जिसमें 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभों, ऐसे आवयव की रचना करनी है आपको। देखिएगा इसका आवयव कैसे बनेगा, आपका A11 हो जाएगा, A12, A21 और A22। अब जो IJ है उनकी जगह पे आप 1, 1, 1, 2 और 2, 1 रखकर आप इसका आवयव बना सकते हैं। देखिए क्या हम पहले से हल करते हैं, अगर पहले में हम A11 रखेंगे तो आपका बनेगा, मतलब I पर देखिएगा ये I होता है आपका और ये जो होता है J होता है जो बात का होता है, तो I1 रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + JV1 है आपका अपॉन इसका स्क्वायर 2, यानी कि 2 का वर्ग 4/2 आपका आ गया 2। अब देखिएगा A12 यानी कि i का मान 1, j का मान 2, i रखेंगे 1, j रखेंगे 2, इसका स्क्वायर करेंगे अपान में 2, 3×3 = 9/2। अब हम निकालेंगे a21 देखिएगा, यानी कि i की जगह पे 2 और j की जगह पे 1, i की जगह पे 2 और j जो है आपका इसकी जगह पे 1, इसका स्क्वायर अपान में आपका तो 1 × 3×9/2। अब आपका हो जाएगा A22 यानी कि IV2 JV2, 2 + 2 का स्क्वायर / 2, 4×16/2 आपका गया 8। तो इससे बना आवयव आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर A11 है आपका 2,
ए वन टू है आपका 9/2, ए टू वन है आपका 9/2, और आपका ए टू टू है। तो ये आपका बन गया आव्यूह किससे बना, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपन टू, इससे ये आपका बन गया। अगला देखते हैं, इससे आपको अगर बनाना है ए आई जे बराबर जे वाई आई वाई जे, ये दिया है, इससे बनाएंगे। अगर देखिएगा, अगर ए वन वन रखेंगे तो वन अपॉन वन आपका वन हो जाएगा, ये आ गया आपका ए वन वन, ए वन टू, ए वन टू हो गया, यानी कि आई की जगह पे वन, जे की जगह पे टू, तो आपका वन बाई टू हो गया। ए टू वन हो गया आपका, मतलब आई की जगह पे टू, जे की जगह पे वन, आपका टू हो गया 2/1। ए टू टू हो गया आपका 2 और 2 1, तो इससे बना आव्यूह लिखेंगे आप, देखिएगा 1 1/2 2 1, ये बन गया। ठीक, इसमें देखेंगे हम, देखिएगा इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब थर्ड वाले को सॉल्व करते हैं। इसमें आपका ए वन वन हो जाएगा, आई की जगह पे वन, और इसकी भी जगह 1 1 3, और 3 का वर्ग 9/2। आप पूरा सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद ए वन टू, यानी कि आई की जगह पे वन, पूरा सॉल्व कर दे रहे हैं, 1 प्लस जे की जगह पे 2 2 × 2 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि आपका हो गया ये 2 2 4 और 1 5 का वर्ग 25/2। अगर बात करें ए टू वन की, आई की जगह पे 2 जे की जगह पे 1, तो आई की जगह पे 2 प्लस 2 × 1 का स्क्वायर अपॉन में आपका हो जाएगा 2, यानी कि 2 और प्लस 4 16/2 आपका गया 8। ए टू टू की अगर बात करें तो सभी 2 हो जाएंगे आपके, आई भी 2 और जे भी 2, तो 2 प्लस 2 × 2 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि आप क्या हो गया 2 2 4, तो 2 2 4 और प्लस 2 6 6 का वर्ग 36/2, यानी कि आपका आ गया 18। इससे बना आपका आव्यूह हो जाएगा, सबसे पहले तो आया था आपका 9/2, फिर 25/2, उसके बाद 8, फिर 18, ये आपका हो गया आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव दिया है हमको। क्वेश्चन नंबर फाइव भी आपका क्वेश्चन नंबर फोर की तरह है। आपको इसमें दिया है कि 3 × 4 का आव्यूह बनाना है, 3 × 4, यानी कि 3 पंक्तियों की संख्या और 4 स्तंभों की संख्या। तो आपका हो जाएगा ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, स्तंभ कितने हैं 4, तो आपका ए वन फोर, फिर उसके बाद ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए टू फोर, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ए थ्री फोर। अब इसी में यहाँ पे देखिएगा आई और जे के मान रख देंगे, इसमें मॉड के अंदर है तो आपका प्लस हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे किस प्रकार सॉल्व करेंगे, पहले वाले को सॉल्व कर रहे हैं हम। अगर हम ए वन वन रखें, सिर्फ एक ही सॉल्व करेंगे इसको, आप अपने आप सॉल्व करेंगे। अगर हम ए वन वन रखेंगे तो आपका 1/2, यानी कि आई की जगह 1 और जे की जगह पे 1, तो आपका हो जाएगा माइनस का 3 × 1 प्लस का 1, तो आपका हो जाएगा 1/2, माइनस का 3 और प्लस का 1, माइनस का 2 और 2 आएगा तो बाहर प्लस का हो जाएगा 1/2 2 2, तो आपका आ गया 1, ये आपका आ गया ए वन वन। अब हम ए वन टू निकालेंगे, ए वन टू यानी कि आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 2, तो आई की जगह पे -3 × i की जगह पे 1, ठीक, आई की जगह पे 1, और आपका जे की जगह पे हो जाएगा 2 प्लस 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/2, ये माइनस मॉड से बाहर आएगा, सब प्लस में हो जाता है, 3 2 5, माइनस का 3 और प्लस का 2, माइनस का 1 बाहर आएगा तो आपका प्लस का 1, आपका हो जाएगा 1/2। ठीक है, ए 1 3 निकालेंगे तो आपका, देखिएगा आप इसी प्रकार सभी सॉल्व कर लेंगे,
अगर हम ए वन थ्री निकालेंगे तो आपका आएगा ए वन थ्री वन बाई टू माइनस का थ्री इंटू वन प्लस का आपका थ्री, माइनस तीन माइनस जीरो कर गया तो आपका जीरो आ जाएगा। ए वन फोर वन बाई टू माइनस का थ्री, वन रखेंगे तो बनी प्लस फोर, प्लस का वन वन बाई टू। ए टू वन, तो यहाँ पे देखिएगा आपका ए टू वन फाइव बाई टू, ए टू 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 आ जाएगा, ए टू थ्री थ्री बाई टू आ जाएगा, ए टू फोर वन आ जाएगा, ए थ्री वन फोर, ए थ्री टू सेवन बाई टू, ए थ्री 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 और आपका ए थ्री फोर फाइव बाई टू आ जाएगा। इन सबको आप सॉल्व कर लेंगे आपका आ जाएगा, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। तो इसको जब आव्यूह बनाएंगे हम आपका, तो ए बराबर आव्यूह उसका बन जाएगा आपका, सबसे पहले आया था हमारा वन, सबसे पहले आया था वन वन बाई टू, फिर आया वन बाई टू, फिर ज़ीरो, फिर वन बाई टू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टू वन फाइव बाई टू, ए टू 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 थ्री बाई टू और टू फोर है आपका वन। यहाँ पे देखिएगा टू फोर, इधर देखिएगा, इसी के हिसाब से आप मान रखेंगे जो हमने बनाया था ऊपर। तो यहाँ पे उसके बाद ए थ्री वन है आपका फोर, ए थ्री टू है आपका सेवन बाई टू, ए थ्री थ्री है थ्री, ए थ्री फोर है फाइव बाई टू। ये आपका अभी हो गया। तो ये आपका प्रश्न था, प्रश्न नंबर पाँच। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे के प्रश्न हम कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।